दूसरों के लिए अनाज उत्पादन करने वाला किसान हरित क्रांति के बाद अपने ही लिए अनाज आयात करने लगा है, साथ ही साथ अपने खेतों में उच्च क्षमता वाली रासायनिक खादों का उपयोग करने लगा, जिसके कारण आज हमारी जमीन अनुपजाऊ हो गई है, जो पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ाती है, साथ ही मानव शरीर में विभिन्न रोग पैदा करती है। सिर्फ यही नहीं, हमारे किसान बहुत दुखी हैं क्योंकि वे अपने खेतों में अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है, फिर भी उत्पादन उनकी लागत से कम है। इन स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने किसानों के साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में बिना कीटनाशक के प्रबंधन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को कम लागत में अच्छा उत्पादन दिलाना तथा अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना है। आइए अब हम गर्मियों में की जाने वाली जुताई एवं आग द्वारा खेत के आसपास कीट नियंत्रण के बारे में जानते हैं। यह अनंतपुर जिले के बैलूगप्पा मंडल का ब्रह्मनापल्ली गांव है। गंगना इस गांव का एक किसान है जो बिना कीटनाशक का उपयोग कर बिना कीटनाशक विधि से खेती कर रहा है और गांव के अन्य किसानों के लिए एक आदर्श किसान है। इस समय गंगन्ना गर्मियों के खेत में खेतों की जुताई कर रहा है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते गंगन्ना। नमस्ते भैया। भैया, आपने बिना कीटनाशक का उपयोग करके कम लागत में अधिक फायदा कमाया है। इस समय आप अपने खेत में जुताई कर रहे हैं, क्या आप हमें बताएंगे इससे खेती में क्या फायदा होता है? गर्मियों में जुताई करने से खेत की मिट्टी नरम पड़ जाती है और मिट्टी में नमी आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे जमीन के अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं और सूरज की गर्मी के कारण मर जाते हैं और पक्षी इन कीड़ों को खा जाते हैं। गर्मियों में की जाने वाली जुताई खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कम करने में मदद करती है। भैया, किस महीने में यह जुताई करनी चाहिए? यह जुताई मई या जून के महीने में पहली बरसात होने के पहले करनी चाहिए। क्या हमें जुताई के तुरंत बाद बीज बो देना चाहिए? नहीं, तुरंत नहीं, जुताई के बाद पाटा लगाकर जमीन को समतल करके उसके 10-15 दिनों के बाद यदि बारिश होती है तो बुआई कर सकते हैं। इस तरह से जुताई करने पर मिट्टी में नमी बनी रहती है और थोड़े समय में ही अंकुर बाहर आ जाते हैं। क्या गर्मियों में जुताई करने से दूसरे लाभ भी होते हैं? अनुपयोगी पौधे, ठूटे इत्यादि मिट्टी के बाहर आ जाते हैं और मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं, जो आगे फसल को फायदा पहुंचाते हैं। गर्मियों में जुताई के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरा जरूरी कारण, खेत के आसपास आग द्वारा कीट नियंत्रण। पहली बारिश होने पर किसान अपने खेतों में पड़े हुए बेकार पौधे, पौधों के ठूंठे इत्यादि को खेत में 4-5 जगह एकत्रित करके उन्हें जला देते हैं। इससे पंखों वाले कीट पतंगे, लाल कीट आग के पास आकर्षित होकर आते हैं और आग की गर्मी से मर जाते हैं, जिससे खेती का नुकसान करने वाले कीड़ों में कमी आती है। दिखाए गए किसान अपने खेतों के आसपास आग द्वारा कीट नियंत्रण के लिए जा रहे हैं। चलिए अब हम उनके पास में चलते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। नमस्ते ओबिलेश भैया। नमस्ते भैया। आप यहाँ खेतों में आग लगा रहे हैं, सही है ना? क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? जरूर, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए वहां चलकर बैठते हैं। भैया, हमें यह आग कब लगानी चाहिए? गर्मियों के बाद जिस दिन भी पहली बारिश हो, उस दिन शाम को 6 से 8
बजे के बीच में हमें यह आग लगानी चाहिए। आपने आग लगाने के लिए ठूठे और सूखी पत्तियां कहाँ से एकत्रित की हैं? हम ठूठे और सूखी पत्तियां और कचरा खेत में से और खेत के किनारे से इकट्ठा करेंगे और आग लगाएंगे। यह आप अकेले ही करते हैं या सभी किसान साथ मिलकर करते हैं? 5-6 किसान एक साथ आते हैं लेकिन अपने अपने खेतों में आग लगाते हैं। इससे फसल को क्या फायदे होते हैं? कीट पतंगे लाल कीट आग में गिरकर मर जाते हैं, जिससे खेती को नुकसान करने वाले कीड़ों में कमी आती है। क्या हमें यह आग शाम को ही लगानी चाहिए या हम इसे दिन के समय भी लगा सकते हैं? कीट पतंगे लाल कीट आदि रात में ही निकलते हैं, वे दिन के समय नहीं निकलते। वे आग को देखकर आकर्षित हो और उसमें गिरकर मर जाएं, इसीलिए आग रात में ही लगाना चाहिए। खेत के आसपास आग द्वारा कीट नियंत्रण के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।